जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। और आज जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट निकल के आ रही है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे RBI की तरफ से निकल के आ रही है, जिसे असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हुई, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है फ्रेंड। तो इस वीडियो में फुल डिटेल से जानेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी इन्हें, आपको इस वीडियो में फुल डिटेल से जानने वाले हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आप सभी को प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑफिशियल PDF है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स आपको मिलती रहे। और बैंकिंग की काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली है फ्रेंड्स आगे भी, तो उसके बारे में भी आपको काफ़ी सारी चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए मैं आप सभी को लेके चलता हूँ अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ मैंने डिटेल्स। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं अपने वेबसाइट पे, टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे, ठीक है। तो ये जो वैकेंसीज आई हुई आप यहाँ देख पा रहे होंगे, RBI की तरफ से वैकेंसीज आई हुई, RBI असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023, जो कि 450 वैकेंसीज है टोटल, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट डेट्स पर हम बात कर लेते हैं हम सभी। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, 13 सितंबर से ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म भरने की, वो 4 अक्टूबर 2023 रहने वाली है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी भी आप 4 अक्टूबर 2023 तक ही पे कर सकते हो। एंड प्रीलिम्स एग्जाम जो रहेंगे इसमें, वो 21 से लेकर 23 अक्टूबर 2023 तक आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, ठीक। जैसे ही कोई भी अपडेट्स आता है एग्जाम्स के रिगार्डिंग या फिर एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, आपको इस चैनल पे किसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर इस चैनल के सभी वीडियो को देखा कीजिए, मैं आप वीडियो के बीच में इन्फॉर्म कर देता हूँ आप सभी को, ठीक है। एंड एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें हम सभी, तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपये फॉर्म फीस रहेंगे, SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो 50 रुपये फॉर्म फीस रहेंगी। आप जो है अप्लाई कीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट की, आप वहाँ से ही जाके अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी फ्रॉड आपसे ना हो। एंड एज लिमिट की बात कर लें हम सभी, तो मिनिमम एज जो रखी गई 20 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम जो है 28 वर्ष रखी गई है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। SC ST वालों के लिए जो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है, एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। बाकी मैं नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, अब उसे डिटेल में आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जो वैकेंसीज आई हुई है वो है RBI असिस्टेंट की वैकेंसीज है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 450 वैकेंसीज आई हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, अगर आपने किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री पास कर रखी है 50% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे, उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप उस स्टेट से जो है अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हो वैकेंसी डिटेल, कौन से स्टेट में जो वैकेंसीज आई हुई, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है। साथ ही में जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट भी होने वाला है इसका। जो है 3 स्टेप में सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। फर्स्ट जो है आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स होगा, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम से आप सब्जेक्ट देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे 30, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, 100 मार्क्स का होगा। 20-20 मिनट आपको सभी सेक्शंस के लिए मिलेंगे, सेपरेट रहेगा, ठीक है, ये कंबाइंड नहीं रहेगा, सेपरेट 20-20 मिनट मिलेंगे आपको। टोटल 60 मिनट का आपका एग्जाम्स रहने वाला है, सभी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एंड 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली। इसी तरीके से आप प्रीलिम्स एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हो, देन आपका जो है मेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा। मेंस में जो है एक तो रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरा इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, एंड कंप्यूटर से रहेंगे, ठीक है। 40-40 क्वेश्चन रहेंगे सभी सेक्शन में से, 200 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 200 मार्क्स का होगा। अब वो जो उसके लिए टाइम मिलेगा 135 मिनट मिलेंगे, ठीक है, 135 मिनट टोटल आपको इसमें मिलेंगे। और साथ ही में नेगेटिव मार्किंग भी, तो अच्छे से आप एग्ज़ाम्स को दीजिएगा। एंड साथ जो है, साथ ही में जो है, जो भी कैंडिडेट मेंस एग्जाम्स क्वालिफाई
कर लेते हैं, ठीक है। उसका जो है फिर लास्ट एक फाइनल लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे उस स्टेट्स की जो लोकल लैंग्वेज की आपका जो है टेस्ट होने वाला है। तो अगर ये सभी क्वालिफाई कर लेते हो आप तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, देन आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पे स्केल की बात कर लें सैलरी की, तो सैलरी जो आपको देखने को मिलेगा जो बेसिक पे है इसका 20,700 रुपये प्लस में DA एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह सब मिला के जो आपकी इन हैंड सैलरी जो बन जाएगी वो 47,849 रुपये पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स, अगर आप सब इंटरेस्टेड हो इसमें अप्लाई करने के लिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेल है, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कुछ भी मन में क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, ऊपर में कमेंट बॉक्स वहाँ आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट में, तो प्लीज जय हिंद, धन्यवाद।